हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि आप रिसेंटली आपने अपने स्केड्यूल में क्या चेंजेस आप लेकर आए जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है, और क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ अगले 3 महीनों में 6 महीनों में पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो ऐसी 5 चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसी 5 चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, और कंसिस्टेंटली मैं उनको एक्सपीरियंस करके बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं देखता जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है मेडिटेशन शुरू करना। जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो आप अपने बेहतर वर्जन से मिलने लगते हो, आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हो, आप अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगते हो, और आपको ये भी समझ में आता है कि किन चीज़ों से इम्पैक्ट होना है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है और आगे बढ़ जाना है। मेडिटेशन आपके आसपास एक ऐसी शील्ड क्रिएट करके रखता है जिससे आप अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट करके रखते हो, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि मेंटल फिटनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेडिटेशन को प्रैक्टिस करके हम अपने लाइफ में मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, ना कि सिर्फ मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं बट अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको डेफिनेटली शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंटली मैंने भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, वो है मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना। फिजिकल हेल्थ हम हमेशा अपने रूटीन के कारण, अपने स्केड्यूल के कारण बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम कैसे हार्डवर्क कर पाएंगे, फिर काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो तब तक आप अपने मेंटल हेल्थ के पीक पर भी नहीं पहुंच सकते। कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ भी होता है। तो फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिम जाना है, कुछ भारी वेट उठाना है और ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है। आप योगा भी कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्विमिंग क्लासेस भी ले सकते हैं, आप फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए डांस क्लासेस भी ले सकते हैं, ताकि कुछ ना कुछ बॉडी की एक्टिविटी होती रहे और आप कंसिस्टेंटली आगे मूव करते रहें। तीसरी चीज़ जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना शुरू करो भाई लोग, सब लोगों को किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताबों से हमें वो एक्सपीरियंस मिलता है, वो समझ में आता है जो बहुत सारे लोग अपने पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से जानना शुरू करते हैं। जब एक ऑथर कोई भी किताब को लिखता है तो वो अपनी ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस उस किताब में डाल देता है। आपके बहुत सारे सवाल होंगे, हर सवाल के लिए कोई ना कोई किताब ज़रूर बनी है। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई सॉल्यूशन चाहिए आपको, उसके ऊपर कोई ना कोई किताब ज़रूर बनाई होगी। अगर आपको भी कोई किताब, ऐसा कोई सवाल है, कोई आपके मन में कोई सवाल है और आपको जानना है कोई वो किताब, मैं कौन सी किताब पढूं, तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप कौन सी किताब पढ़ सकते हैं। बट किताबों को पढ़ने से आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव का अपनी लाइफ में ज़रूरत से जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि आप सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, उनके फेलियर से सीखते हैं। तो किताबें पढ़ना एक तरह से मैं जो मानता हूँ बहुत बड़ा शॉर्टकट है सक्सेस के लिए, तो किताबें पढ़ना शुरू करें। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। आपके डेली स्केड्यूल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप ये खुद से कहो कि कुछ मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। किताबें पढ़ने से आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखते हो, बट वहाँ आप समझते हो ज़्यादा, कुछ नया स्किल सीखने पर वहाँ पर फोकस नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नई स्किल सीखने के बारे में। आप कुछ भी सीख सकते हो, आप सोशल मीडिया सीख सकते हो, आप इंजीनियरिंग सीख सकते हो, आप योगा करना सीख सकते हो, कुछ भी नई स्किल सीख रहे हो आप ड्राइंग सीख सकते हो, आप पेंटिंग सीख सकते हो, आप कोडिंग सीख सकते हो, आप वीडियो कैसे एडिट किया जाता है वो सीख सकते हो, ऑडियो एडिट कैसे किया जा सकता है वो सीख सकते हो, कुकिंग सीख सकते हो, डांसिंग सीख सकते हो। जब भी आप कुछ नया सीखने पर ध्यान देते हो, ये बात हमेशा याद रखना, आप अपने आप को हमेशा ये बात बता रहे होते हो कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ, मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंटली सीख रहा हूँ, और वो इस मोड में रहना हमेशा आपका कॉन्फिडेंस अप ही करेगा। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को अप रखना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे फील्ड से कनेक्टेड हो, बट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्किल, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करे। तो वो स्किल सीखो,
पिकअप करो आपके इंटरेस्ट का एरिया और उसको पकड़ के सीखना शुरू कर दो। पांचवी और आखिरी जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताना। सही लोगों के साथ वक्त बिताने से आपका जो माइंडसेट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप उनके एक्सपीरियंसेस को जान रहे हो, आप उनसे बातें कर रहे हो, आप देख रहे हो कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, उनके बारे में सीख रहे हो और वहाँ से आपको लाइफ के शॉर्टकट मिलने शुरू हो जाते हैं। वो हमेशा बोला जाता है कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हो वही डिसाइड करता है कि आप आने वाली लाइफ में कितने सक्सेसफुल बनने वाले हो। आप किस तरीके के लोगों से मिल रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आपने ये सुना होगा कि हम उन पांच लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। तो आप अपने सराउंडिंग में ये देखो कि पांच ऐसे वो लोग कौन हैं जिनके साथ मैं सबसे ज़्यादा वक्त बिताता हूँ, और वो सारे लोग अगर आपसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं तो शायद आपके साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता है। तो आपको अपने आप से ज़्यादा सक्सेसफुल जिन लोगों से आप इंस्पिरेशन लेते हो, जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, सही सोच रखते हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो। ये पांच चीज़ें अगर हमने अगले 3 महीनों तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। इन सबको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान टेक्निक्स अवेलेबल हैं। क्या वर्कआउट करना, क्या फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। क्या किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या नई स्किल को सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? बस चाहत चाहिए, आप सीख जाएंगे। क्या सही लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। नेटवर्किंग करना स्टार्ट करें, लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करें, आप देखेंगे कि 3 महीने में आप एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग शायद नहीं हैं, और आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी लाइफ के सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने सपनों की डायरेक्शन में जा रहे हैं और लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर इन पांचों चीज़ों से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।